पतंजलि का अष्टांग योग, योग भारत की कृति है। योग की फिलॉसॉफी को हमारे ऋषि महर्षियों ने तैयार किया, उस फिलॉसॉफी को पढ़ाया, खुद पढ़ाया, उसके अनुरूप प्रकृति की गोद में रह करके उस योग की फिलॉसॉफी को जिया और लोगों को जीने की ट्रेनिंग दी। तो योग के द्वारा जो हमारा अष्टांग योग है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये पतंजलि के अष्टांग योग के अंदर 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन किया जाता है। और यह नियम 5 है, सोच, संतोष, त्याग, अहिंसा, ईश्वर प्राणिधान, इनकी शुद्धि करने से विचारों की शुद्धि होती है, मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। और तीसरा जो है हमारा, पहला है यम नियम आसन। आसन करने से शरीर के अंदर डक्टिलिटी बढ़ती है, शरीर के मसल से नरम पड़ते हैं, उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। और उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। प्राणायाम का मतलब प्राण का जो है हमें संतुलन करना, प्राण का अनुशासन करना, यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार का मतलब 5 इंद्रियां जो बाहर जा रही है उनको भीतर खींचना। धारणा का मतलब अच्छे संस्कारों को हमारे दिमाग के अंदर संग्रहित करना, एकत्र करना। और ध्यान का मतलब है किसी एक विषय के ऊपर कंसंट्रेट होकर के और हमें ध्यान करना। और धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था के अंदर हम जो है वो संपूर्ण सुख को प्राप्त करते हैं।